कांग्रेस के गढ़ में लगातार सेंध लगा रही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंच पर मौजूदगी में प्रतापगढ़ से 3 बार कांग्रेस से सांसद रही राजकुमारी रत्ना सिंह भाजपा में शामिल हो गई। काला कांकर स्टेट की राजकुमारी रत्ना सिंह के साथ उनके हजारों समर्थक आज भाजपा के सदस्य बने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के गढ़वारा बाजार में सदर उपचुनाव प्रत्याशी राजकुमार पाल के समर्थन में जनसभा करने आए हैं। आइए सुनते हैं राजकुमारी रत्ना सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कहा। इस गढ़वारा की धरती पे, इस प्रतापगढ़ की धरती पे सबसे पहले तो मैं हम सब के लिए परम आदरणीय और हमारे लिए खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, यूपी में नहीं, पूरे देश में नहीं, पर नेपाल में जिनके डंका बजता है, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और महाराज जी से और समस्त भाजपा परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरे बेटे को और हमारे साथ जो हजारों लोग आज भाजपा के बीच आए हैं उनको हम लोगों को आने का मौका दिया है। मैं प्रतापगढ़ की बेटी हूँ और प्रतापगढ़ मेरा घर है। आज मैंने, मेरे परिवार ने ये निर्णय इसलिए लिया कि जनता की आवाज थी कि आप प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश की सेवा कर सकती हैं, तो योगी जी के और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कर सकेंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हम सबका सपना है, यहाँ हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे तीन तीन चार चार मंत्री बैठे हैं, सारे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग सब मिलके प्रतापगढ़ को एक प्रगतिशील विकासशील जिला बनाएं। और मुझे विश्वास है मेरे छोटे भाई राजकुमार पाल जी को, ये मेरे साथ बहुत काम किया और मैं जानती हूँ कि इनसे अच्छा आपको सदर में विधायक नहीं मिलेगा। कई लोग खड़े हैं जितना ये जमीन से जुड़े हैं, जितना ये प्रधान के रूप में कई पदों में रह के जितना इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, शायद ही कोई कर पाएगा। यहाँ के किसानों की परेशानी ये अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं तो अभी आपके बीच आई हूँ, आपके परिवार में जुड़ी हूँ, आप सबका सहयोग चाहिए, महाराज जी का भी सहयोग चाहिए और अपने भाई राजकुमार जी को जिताने के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ हम लोग मिल के करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत के जाने वाले हैं। और सभी लोगों को धन्यवाद प्रणाम कि आपने मुझे अपने बीच इस परिवार में जोड़ा है और जो कर सकती हूँ हमेशा की तरह करूँगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी को भी, सभी को भी। भारत माता की जय।